अब यार लेट हो गया, लेट हो गया भाई। यार मनुष चप्पल उतर ना। अरे पागल आदमी क्या यार, मुंह में चप्पल मारी मेरी, पता नहीं क्या गंदी चप्पल है, पूरा मुंह गंदा कर दिया। यार एक बात बता, तू वजू करेगा? हाँ तो फिर मुंह साफ हो जाएगा ना, इतनी रोने वाली क्या बात है। क्या आदमी है, भाई तू पागल वागल तो नहीं? हमारे मुल्क में लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, और तू फुल प्रेशर में पानी इस्तेमाल कर रहा है, और जो फोन आते हैं तू फुल बात कर रहा है। बंद कर दे नल यार। यार तो जमात निकल रही है ना, तो पानी जाए क्यों कर रहा है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। सही है सही है। अजीब आदमी है बावला। आगे चले जाइए ना, सफेद खाली है भाई, आगे थोड़ा सा देख लीजिए, आगे अजय आगे अजयगा आगे बड़े भाई, आगे आ जाए, सफ़े खाली है, उसको सही कर लें पहले, सफ़े सिर्फ सीधी दी कर लें आपस में। अजय भाई आगे आ जाए, सफ़े गैप खाली है आगे का, वो आप भी चले जाएँ, आगे चले जाएँ आगे। यार आप आगे क्यों नहीं जा रहे? यार दादा वो पंखा, गर्मी हो रही है। यार कैसे अजीब आदमी हो यार, पूरा दिन ऑफिस में एसी में होते हो ना, 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आए हो, उसमें भी पंखा चाहिए? नमाज की नियत की थी कि पंखे की नियत की थी? ठीक है ठीक है। अरे अरे भाई क्या कर रहे हैं यार आप, तो आप तो बहुत ही बदतमीज आदमी है, कैसे ये नमाज? पीछे जाओ ना, आप यहाँ क्यों आ गए, एकदम सफ़े पूरी है यहाँ पे, आप बीच में आ गए। आप जमात निकल रही है यार। भाई जमात निकल रही है तो आप पहले आना पड़ता है, अगली सफ़ेद 10 मिनट पहले ही फुल हो जाती है। लाहौल वाला कुत कैसे भी खड़ा नहीं हो जा रहा, फिर रुकू भी है, सजदा भी है। आप साइज देखें आप भाई, मस्जिद में खड़े हैं, चुप रहे हैं। ओफ भाई पीछे जगह है, पीछे भी एडजस्ट हो जाए, नमाज से पहले ही पूरा मूड खराब कर दिया भाई, थोड़ा उधर हो जाए प्लीज, ये टेढ़े टेढ़े होकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। अरे भाई यार निकलो यार, अरे चप्पल नहीं मिली है यार, खबर करो तो जाने दो, तुम तो चलो यार। ज़िंदगी में हमें लोगों की तो बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती हैं, मगर कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम भी वही गलती कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे होते हैं। हम नमाज़ पढ़ने तो आते हैं, हमारा मज़हब हमें सिखाता भी है कि किस तरह नमाज़ पढ़नी है और किस तरह पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, बट अफसोस हमें नमाज़ तो पढ़ने आ गई मगर मैनर्स जो हैं वो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये वीडियो एक हल्का सा लाइटर वे में मैसेज था कि हमें मस्जिद में भी किस तरह एहतरामन नमाज़ पढ़नी चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए।